मुसलमानों से वादा किया गया था कि काफिजात रिजर्वेशन मिलेगा। हम पूछना चाहते हैं कहां गया तुम्हारा वादा, कहां गया तुम्हारा वादा रिजर्वेशन देने का मुस्लिम असलियत को? एक अभी तक वादा पूरा नहीं कर सके। क्यों नहीं देते रिजर्वेशन आप? कौन रोक रहा है आपको समाजवादी पार्टी के लोगों? कौन रोक रहा है तुमको रिजर्वेशन देने के लिए? रिजर्वेशन दो ना, क्यों नहीं देते? मगर वादा करते हैं और भूल जाते हैं। यहां लखनऊ में समाजवादी की सरकार कुछ काम नहीं करती, दिल्ली में मोदी सरकार कुछ काम नहीं करती। बड़े बड़े बुलंदबाज दावे किए गए थे कि अगर सड़क पर गोली चलेगी तो मीट का जवाब पत्थर से देंगे, एक सर का जवाब दस सर से देंगे। अरे कितने हमारे बहादुर सिपाही सरहदों पर शहीद हो गए, कितने शहीद हो गए। बताया गया था कि हिंदुस्तान की इकॉनॉमी को रिवाइव करेंगे, कुछ नहीं हुआ। बोला गया था कि किसान को तकलीफ नहीं होगी, आज हजारों की तादाद में हिंदुस्तान में किसान को कृषि करवा। और अफसोस तो यह है कि मुलायम सिंह की सालगिरह पर करोड़ों रुपया खर्चा होते हैं और उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में सूखा है, खाने को खाना नहीं है, बुंदेलखंड में लोग घास पकाकर खा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी जो लोहिया का नाम लेकर जिंदा रहती है, अपने लीडर की सालगिरह के लिए करोड़ों रुपया खर्चा करती है, इससे बड़े जुर्म की कोई बात नहीं हो सकती। जो कल तक हमसे कहते थे कि पाकिस्तान या कब्रिस्तान के नारे मारे जाते थे, जो हमसे कहते थे और कही दिए तो पाकिस्तान में ले जाओ, हम ये पूछना चाहते हैं कि कैसे मोदी पाकिस्तान पहुंच गए? मगर ये क्या बात है कि आप मिलने गए और पठानकोट में दहशतगर्द हमारे एयरफोर्स के बेस में घुस गए, वहां पर दहशतगर्द एयरफोर्स के बेस में घुस गए। हम पूछना चाहते हैं हिंदुस्तान की सरकार से कि कैसे वहां पर एयरफोर्स के बेस में कैसे दहशतगर्द घुस गए, इसका जिम्मेदार कौन है? पठानकोट पर बीजेपी पर तनकीद की जा रही थी तो अचानक ये बात निकाल दिए कि आईसिस के नाम पर बच्चों को पकड़ना शुरू कर दिया पूरे हिंदुस्तान में। और हमारा मौका भी है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का मौका भी है, चाहे किसी मकतब फिक्र से उनका ताल्लुक होगा, हम तमाम ने आईसिस को कंडेम किया है, हम तमाम आईसिस को मजम्मत करते हैं। हमारा आईसिस से कोई ताल्लुक नहीं है, ना कभी रहेगा